एसीसी दशहरा उत्सव समिति उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती है। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे कैमोर नगर परिषद की नव निर्वाचित अध्यक्षा श्रीमती मनीषा अजय शर्मा जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। साथ ही उपस्थित हैं हमारे बीच कैमोर नगर परिषद के उपाध्यक्ष माननीय श्री संतोष केवट जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। सभी जनता जोरदार नारा लगाएगी, बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, भगवान श्री राम लखनलाल का पूजन करते हुए साथ ही उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण भगवान श्री राम एवं भगवान श्री लखनलाल का पूजन कर रहे हैं। एसीसी कैमोर का यह ऐतिहासिक दशहरा उत्सव साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष श्री कैमोर के श्री अंकुर ग्रोवर जी, साथ ही बिजरागढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री मनीष मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। एसीसी दशहरा उत्सव समिति आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। हमारे बिजरागढ़ क्षेत्र के एसडीएम श्री मंडलोई जी का भी एसीसी दशहरा उत्सव समिति हार्दिक स्वागत करती है। मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्र के जनप्रिय विधायक माननीय श्री संजय सतय पाठक जी से कि विजयदशमी के इस शुभ अवसर पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए सियापति रामचंद्र की। अभी कैमोर वालों की बस आवाज आई है, चारों पैसे जो बाल बाल से मने आए हैं पंखा नहीं आए। एक बड़ी सबको यहाँ के लेके पीछे तक जहां जहां तक हमारा आजाद है जोरदार नारा कैमोर में लगे मैयर में सुनाई दे शारदा मैया के दरबार तक। बोले शारदा मैया की, श्री राम लखन सरकार की, हनुमंत लाल महाराज की। आज हमारे साथ इस पवित्र पावन रामलीला मंच पर साक्षात ईश्वर का स्वरूप धारण किए हुए बैठे प्रभु श्री राम और लखनलाल जी के शिव चरणों पर नमन कर आप सबको प्रणाम करता हूं। सभी हमारे साथ सम्मानित अतिथिगण, 3 वर्ष बाद आज कैमोर में दशहरा हो रहा है। अभी हम जब वहां से जहां बैठने का स्थान बनाया है वहां से हम यहां तक आ रहे थे मंच तक, हमारे साथ कटनी के कलेक्टर प्रियंका मिश्रा जी भी थे, तो बोले सर बहुत भीड़ है यहाँ पे और क्या शानदार तरीके से मनाया जाता है कैमोर का। तो मैंने कहा आज जो आप देख रहे हो कि पिछले सालों से लगभग 50% क्योंकि जितने अंदर आते हैं इस मैदान के उससे देखा फिर 2 गुना ज्यादा तो आसपास बाहर रहते हैं पूरे। और ये 2 साल का जो गैप पड़ा कोरोना का उसके कारण 2 साल हुई नहीं और आज 3 साल हो रही है और 3 साल भी ईश्वर ने थोड़ी थोड़ी अमृत वर्षा तीनों चारों दिन अभी की और इस अमृत वर्षा के बीच में आज हम विजयदशमी के इस पावन पर्व को मना रहे हैं, दशहरे के पावन पर्व को मना रहे हैं। बुराइयों पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत का ये पर्व है दशहरा। तो जब हम बात करते हैं कि बुराइयों पर अच्छाई की जीत होनी चाहिए तो दशहरा में हम यही आग्रह करेंगे कि कल जब नवरात्रि खत्म हुई बहुत से लोगों ने अपने उपवास तोड़े और उपवास तोड़ने के बाद सीधे उनकी गाड़ी गई कलारी तरफ। सही है बता दूंगा ये कई छोड़ा ना आपको उन्होंने दिखा दीजिए नहीं सीधे कलारी कईयों की गाड़ी, कई के हाथ पैर टूटे कल
मैं रात भर मेरे पास फोन आते रहे, भैया एक्सीडेंट हो गया, भैया फलाने जगह फैल गए। और जब अस्पताल पहुंचे तो पता चल करा कि नशे के हालत। मेरा एक आग्रह है आप सबसे कि अपने जीवन को भी पवित्र बनाना है। हर बार रामलीला के मंच से बोलता हूं, हजारों की तादाद में हम और आप रामलीला देखते हैं, लेकिन गुरु कुछ नहीं लेके जाते राम के, ना लखन की, ना सीता मैया से कुछ बोल देते, ना रामायण की इस लीला से कुछ जोड़ देते। बस रामलीला खत्म होती और लोग अपने अपने शौक पे या अपनी आदतों पे तत्काल वापस लौट जाते। तो कम से कम आज विजयादशमी के पर्व पर, इस असत्य पर सत्य की जीत के पर्व पर, अधर्म पर धर्म की जीत के पर्व पर, और बुराई पे अच्छाई की जीत के पर्व पर, दशहरा के पर्व पर कम से कम एक प्रण लो। रात दिन मेहनत करते हो, थोड़ी बहुत जो भी पैसा कमाते हो, बहुत से शाम के दारू के ठेके कलाई में खराब कर लो। तो प्रण लो कि हम नशे से दूर रहेंगे, शराब से दूर रहेंगे, गांजे से दूर रहेंगे। हम अपने क्षेत्र के सारी माताओं से बोलना चाहेंगे, बहनों से बोलना चाहेंगे, आप जिद करो कि ना आपका पति पिए ना आपका बेटा छूने पाए, तभी परिवार बचेगा, तभी क्षेत्र के लोग आगे बढ़ेंगे, पैसा बचेगा तो घर आगे बढ़ेगा, घर आगे बढ़ेगा तो बच्चे भी पढ़ लेंगे, कोई अच्छे योग्य इंसान बनेंगे। तो आज हम सबको आपको ये प्रण लेना चाहिए कि नशे की आदत को हमको मुक्ति होना चाहिए, मुक्ति लेना चाहिए, अपना लेके नशा को छोड़ना चाहिए। बस यही मैं आप सबसे आग्रह करूंगा। दशहरे के पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ दशहरे के पावन पर्व की, आने वाले दीपावली के उत्सव की। आप सबकी कृपा आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। ये 3 वर्ष बाद हुआ है, इसलिए हो सकता है ये और जितनी भक्तानी थी वो उसमें कुछ कमी रह गई हो, क्योंकि 3 वर्ष के बाद हुआ है। अगले वर्ष इसका स्वरूप और बड़ा होगा। और भगवान से एक प्रार्थना है, जो बीच में 2 साल नहीं हुआ वो कोरोना के कारण नहीं। कैमूर में हमने बहुत से अपने लोगों को खोया है, नौजवान लोगों को खोया इस कोरोना के काल में। किस किस का नाम लूं, चाहे वो मनोज द्विवेदी जैसा यंग जवान लड़का रहा हो, और कई ऐसे रहेंगे जिनका पूरा का पूरा परिवार लड़ गया। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, हे प्रभु, ऐसी कोई बीमारी अब दोबारा ना देखने को मिले, कोरोना जैसी बीमारी ना मिले। आप सबके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आप सबको एक बार फिर से दशहरे की पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, मित्रजनों के चरणों पर नमन करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार फिर जोरदार नारा लगा दूंगा, बोलिए जय जय श्री राम, जय श्री राम, और जोर से जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विधायक महोदय। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच उपस्थित कलेक्टर महोदय श्री प्रियांक मिश्रा जी से निवेदन 2 शब्द। आज दशहरा के इस पावन पर्व पर कैमूर की धरती पर आकर के मन में प्रभु श्री राम की लीला चरितार्थ हो रही है। मैं सबसे एक बार फिर अपील करूंगा कि सिया राम की एक बार जय बोले, सिया रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय, जय सिया राम। इस पावन पर्व पर एक छोटी सी बात आप सब लोगों से कहना चाहूंगा। अभी माननीय विधायक जी ने बोला कि नशे की इस बीमारी से हम सबको, समाज को मुक्ति दिलानी है। इसका एक छोटी सी कहानी है रामायण से संबंधित। जब प्रभु श्री राम और रावण के बीच में लड़ाई चल रही थी और अपने एकदम अंतिम पड़ाव पर थी और रावण दशानन का बार बार तीर चलाए जा रहे थे, बट रावण पे कोई असर नहीं पड़ रहा था। तब विभीषण ने आकर के राम जी को बताया कि आप नाभि पे तीर चलाइए तो राम जो है वो गिर पड़ेगा। तो ऐसा उन्होंने किया और राम श्री नाभि में तीर चलाया, रावण अधमरी स्थिति में, रावण अधमरी स्थिति पे मूर्छित होकर गिरा पड़ा हुआ था। उस समय प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ
अब मैंने इसके अंदर का रावण मार दिया है, अब इसे ज्ञान की प्राप्ति करो, क्योंकि हम सबको वापस जाकर के अयोध्या का राजपाट चलाना है। राजा के रूप में रावण ने जो ज्ञान अर्जित किया उसे कुछ ज्ञान लो, क्योंकि प्रभु श्री राम का मानना था कि वो रावण के अंदर जो छुपी हुई जो छुपे हुए अंधकार हैं उसका वध करने आए थे। एक मनुष्य का वध करने नहीं, रावण जिस चीज का प्रतीक था उसका वध करने आए थे। लक्ष्मण जी गए, मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, उन्होंने तीन ज्ञान की बातें रावण ने की, तीन की नहीं मैं केवल पहली बात बताऊंगा। रावण ने कहा कि मैं अंधकार अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति था और मेरे अंदर का जो राक्षस था उसके कारण मैं हमेशा अशुभ कार्य करने के लिए मेरे मन में बड़ी जल्दी रहती थी, जबकि ज्ञानी पुरुष को इसका उल्टा करना चाहिए। शुभ कार्य या अच्छा कार्य या सत्य का साथ देने वाला कोई कार्य हो तो उसको तत्काल करना चाहिए, और अशुभ कार्य को करने से पहले मन को रोकना चाहिए, सोचना चाहिए और उससे दूरी बनानी चाहिए। जबकि होता क्या है, जैसा कि अभी माननीय विधायक जी ने बताया, 9 दिन का व्रत रखने के बाद जो अशुभ कार्य था उसको करने की मन में इतनी जल्दी थी कि 10वें दिन ही सब लोग कलारी पे पहुंच गए, जबकि मन में सोच के अशुभ कार्य से दूरी बनानी चाहिए। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम, इस मंत्र का सब लोग पालन करें, इसका बहुत उपयोग हो सकता है। आप अपने घर में सफाई रखनी है, नशे से दूरी रखनी है, बाल बच्चों को शिक्षा की दिशा में लेकर के जाना है, शुभ कार्य करने में देरी नहीं करनी चाहिए। यही मैं आज आप लोगों से कहना चाहूंगा। इतने विशाल जनसमूह के बीच में आकर के बड़ा अच्छा लग रहा है। वास्तव में मुझे ऐसा लगता है, विधायक जी स्वयं कटनी में रहते हैं और विजय राघवगढ़ के जनप्रतिनिधि हैं, इतना अच्छा दशहरा मुझे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं होता होगा, पूरे प्रदेश में शायद बिरला ही ऐसे दशहरा का आयोजन किया जाता है। इसके लिए मैं ACC समूह को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों की मेहनत है जो इस प्रकार का दशहरा आप लोग आयोजित करते हैं। हमारी प्रशासन की पूरी टीम, हमारे SDM, हमारे SDOP जो यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था में लगे हुए हैं, और आज के मुख्य अतिथि के रूप में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं उनकी पूरी टीम, यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में जनसमूह में आए हुए सभी हमारी माताएं बहनें, आप सब लोगों को दशहरे के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग सुखी रहें, आपके घर में समृद्धि आए, और यही मेरी इच्छा है आने वाले समय में और ऐसे आयोजन हो, इसी की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे ACC कैमोर सीमेंट वर्क्स के डायरेक्टर प्लांट से आज के इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद एवं आभार के लिए। जय श्री राम। नमस्कार सभी को, आदरणीय विधायक सुमंत पाठक जी, कलेक्टर मिश्रा जी, दीक्षा शर्मा जी और मेरे तमाम साथियों, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं पाठवार पद्मलोचनं मारुतिं नमत राक्षसनाथकं। जहाँ जहाँ राम जी का कथा होता है वहाँ पे श्री हनुमान जी पधारते हैं, हम में जरूर हनुमान जाके बैठा हुआ है, कोई ना कोई जगह पे वाच कर रहे हैं, तो उनको सर झुका के नमस्ते कर रहे हैं। और ACC कैमूर की पूरा टीम और जितने भी हमारे जो सरकारी अधिकारी का हमको तो सपोर्ट करके इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से निभाया, और सब लोग तो कॉमन जनता तो आनंद लेगा उससे दोबारा हम हर्षित हो रहे हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि आगे चल के और भी अच्छा प्रोग्राम बनते जाएंगे जैसा श्रीमान जी ने बोला था, और इससे दुगना चुगना सब लोग ये हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर।